हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 4 में पहुंच चुके हम लोग। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब गॉस थ्योरम को यूज़ करके अलग अलग चार सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने वाले हैं, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी नियर द कंडक्टिंग सरफेस। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह आता है और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, क्यू नेट इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हम लोगों को भली भांति पता है अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है जी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो हम लोग क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस लिखते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर वही फ्लक्स अगर आप क्लोज सरफेस में निकाल रहे हो तो फाई क्लोज जो निकालोगे आप वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन करना है किस में, क्लोज सरफेस में, ठीक है ना। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस क्लोज इक्वल्स टू क्यू नेट इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ का एक तो एप्लीकेशन था कि हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वो जैसा कि हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन में देखा था, ठीक है ना, फ्लक्स निकालने वाले एप्लीकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस गॉस लॉ को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल ये है कि अगर हम लोगों ने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी करा है, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा ना वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू q1 प्लस q2 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। चलो अच्छी बात है। अब इसके करिस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस सरफेस पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्जेस के कारण आएगा, क्या सिर्फ q1 q2 के कारण आएगा या फिर q1 q2 q3 कारण आएगा, ठीक है ना। मतलब इनसाइड चार्ज करंट सिर्फ आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इनसाइड आउटसाइड दोनों चार्ज करंट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि फ्लक्स जो होता है ना वो टोटल इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो फ्लक्स होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेज इनसाइड एंड आउटसाइड, बट आउटसाइड चार्ज क्रिएट्स जीरो फ्लक्स। तो हम बोले ये फ्लक्स जो है ना ये सारे चार्ज करंट फ्लक्स है, ठीक है ना। लेकिन ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज पे, लेकिन ये फ्लक्स है दोनों चार्ज करंट, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों, ठीक है ना। तो हम लोग यह फ्लक्स लिखे ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस आएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली Q1 एंड Q2, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ड्यू टू ऑल द चार्जेस Q1 Q2 Q3 सारे चार्जेस कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, इस गॉस लॉ को यूज करेंगे तो। तो हम लोग पहले ही बात किए हैं कि फ्लक्स इन गॉस लॉ इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनसाइड चार्ज, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये तो, और आप इसको लिखिए और इसी से रिलेटेड एक जेई के हम लोग अभी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है ना, लिखिए इसको। तो देखो मैंने क्वेश्चन ले लिया है जेई का, ठीक है ना, IIT में आया हुआ है। बोला है कि गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, अभी जो मैंने बताया वही आंसर है, ठीक है ना। देखो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है, जिस सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलेंगे, सिंपल। तो ये गॉसियन सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स बताना है इन तीनों चार्जेस कारण। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स तो तीनों कारण होगा, प्लस Q1 माइनस Q1 Q2, जो गॉस लॉ में लगाएंगे फ्लक्स क्या आएगा, ये तीनों कारण आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ऑप्शन ए में बोला है क्या, क्यू टू का करंट फ्लक्स है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या बोला है जी, ड्यू टू ओनली पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको भी ले सकते हो, ओनली तो होगा नहीं। सी में क्या बोला, ऑल द चार्जेस, ये आंसर सही है, ठीक है ना। डी में क्या बोला, प्लस क्यू वन और माइनस क्यू वन, मैं ये कह सकता प्लस क्यू वन और माइनस क्यू वन पर फ्लक्स डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके लिखिए, तो अभी हमने पढ़ा गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज हीट के कारण, ठीक है ना। तो प्लेन चार्ज हीट है, मान लो आप ऐसा है, तो इसका हम लोग ना आंसर भी निकाल रखे हैं पहले से ही, ठीक है ना। हम लोगों ने जब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसी के हेल्प से हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन चार्ज हीट, ठीक है ना। आंसर क्या होता है तुम्हें याद होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर होता है, ठीक है ना। सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो देखो इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या चार्ज हैं जी, प्लस प्लस चार्जेस मैंने ले लिया ऐसे, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ओके अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को। ये अगर मान लो ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है, प्लेन चार्ज हीट हो गया, ठीक है ना। और इसके r डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालना, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है ना। हमने डिस्क का हेल्प से भी निकाला था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण निकाले थे और डिस्क का रेडियस कर दिया था इन्फाइनाइट, ठीक है। तो डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेट किए थे रिंग का एलिमेंट्री लेके, ठीक है ना। और फिर आर को इन्फिनिटी कर दिया तो प्लेन चार्ज शीट बन जाएगा ये, तो ठीक है ना। तो उसमें बहुत ही भारी भरकम काम पड़ गया था, इंटीग्रेशन करना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। देखो गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है ना, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है ना। देखो गॉस लॉ हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर कुछ सिमेट्री दिखेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे ऐसा नहीं कि देखो गॉस लॉ यूज़ करना बहुत ही आसान है, गॉस लॉ के यूज़ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाता है, बट गॉस लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है ना। वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे सिमेट्री मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए सिमेट्री मिलेगा क्योंकि हमें पता है कि प्लेन चार्ज शीट कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यूनिफॉर्म होता है आर डिस्टेंस पे। अगर ये प्लेन चार्ज शीट है बोर्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। इस पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। और डायरेक्शन भी कैसे होगा जी, ऐसे होगा अवे फ्रॉम द बोर्ड इफ दिस बोर्ड हैज पॉजिटिव चार्ज, और बोर्ड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो टुवर्ड्स द बोर्ड। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, है ना, प्लेन चार्ज है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है, दिस मैग्नीट्यूड इज व्हाट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम बोलेंगे सिमेट्री है इसके साथ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि आर डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, आर डिस्टेंस पे जाके मैं एक सरफेस लूँगा, ठीक है ना। देखो इधर भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही होगा इधर की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, हमें पता है वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन वो गॉस थ्योरम यूज़ करके निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने क्या किया, ऐसे ले लिया एक गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, गॉसियन क्लोज सरफेस ले लिया, मतलब ये प्लेन है, तो ऐसे सिलिंड्रिकल ऐसे मैंने एक क्लोज सरफेस बना लिया। आई बात समझ ना, सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस मैंने बना लिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि इस क्लोज सरफेस में कितने सरफेस, एक तो एक सिलेंडर में ऐसे मिलेगा, एक कर्व सरफेस मिलेगा, ठीक है ना, एक ऐसा मिलेगा, एक कर्व सरफेस मिलेगा और एक फ्लैट सरफेस मिलेगा आपको, एक ये वाला सरफेस मिलेगा, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस हो गया और एक क्या मिलेगा, क्लोज सरफेस मिलेगा, सॉरी ये कर्व सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा ना कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है ना, और उस फ्लक्स को क्या लिखूंगा, ई डॉट डी एस लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में देखो कर्व सरफेस तो ऐसे है ना, ठीक है ना। तो क्या इस कर्व सरफेस को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ऐसे होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन।
तो क्या ये कर्व सरफेस को क्रॉस करेगा? क्या नहीं करेगा। तो फ्लक्स इस कर्व सरफेस से क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको क्रॉस करेगा? इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। मान लो इस फ्लैट सरफेस का एरिया ए है, तो यहाँ भी एरिया क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। और ये छोटा सा पार्ट आ रहा है, ये छोटा सा पार्ट आ रहा है प्लस प्लस चार्ज वाला जो लिया है मैंने, ये छोटा सा पार्ट आ रहा है प्लेन चार्ज शीट जो है ना, वो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है ये पार्ट, ठीक है ना। ये जो सिलेंडर मैंने लिया है, सिलेंडर के छोटे से ए एरिया है ना इसका, तो यहाँ का भी एरिया होगा। ये ए एरिया का पार्ट इस शीट का इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, जो कि वही सिलेंडर के अंदर वो चार्ज लाई करेगा। तो मैं गॉस थ्योरम लिख सकता हूँ कि ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है ना, ये जो फ्लक्स होगा थ्रू कर्व सरफेस भी होगा और दूसरा क्या होगा? थ्रू फ्लैट सरफेस भी होगा। अब आप बताइए कि कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? तो मैं बोलूँगा जीरो होगा, क्योंकि कर्व सरफेस को तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कर्व सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसको क्रॉस तब करता ना जब ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, और इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, मस्त हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मुझे तो यही ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर क्या है? ऐसे ही है ना, तो एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ई इंटू ए हो गया फ्लक्स इस एरिया के थ्रू। लेकिन एक और यहाँ पे एरिया है, इसके कारण भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया ए है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? ई इंटू ए होगा। तो टोटल फ्लक्स मेरा आ गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, दैट इज टू ए, टू ई ए। तो टू ई ए इक्वल्स टू मैं लिखूंगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, ठीक है ना। मैंने इसका वैल्यू लिख दिया कितना? टू ई ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जी? क्लोज सरफेस से, ठीक है ना, फ्लक्स। तो ये क्लोज सरफेस है, फ्लक्स इतना आ गया। बढ़िया। अब देखिए क्यू इन, तो क्यू इन तो यही है ना, ये वाला है ना। सिलेंडर के अंदर कौन सा पार्ट लाई किया? सिलेंडर के अंदर यही पार्ट छोटा सा लाई किया, ठीक है ना। तो मतलब इस प्लेन शीट का पार्ट जो इतना ही लाई किया, मतलब सिलेंडर का एरिया, ये बेस एरिया ए है, तो यहाँ भी क्या होगा? बेस एरिया ए, मतलब एरिया ए इस शीट का इसमें लाई किया है सिलेंडर के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज़ दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और इस पार्ट का भी एरिया ए होगा। ओके, तो मेरे को तो ये पता है कि रिलेशन के सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो चार्ज निकल जाएगा, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया चार्ज इज सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना। मुझे तो लिखना है क्यू इन निकल गया बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने। देखो ए ने ए को मार डाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। एक लाइन में आंसर इसमें आ जाता है। अगर आप गॉस थ्योरम थोड़ा सा देखो, गॉस थ्योरम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और उधर जो इंटीग्रेशन करते थे उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, कलम चलाना पड़ता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ गया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस आ गया, और डायरेक्शन तो ऐसे होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लेन चार्ज शीट कारण किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इतना होगा और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ओके, चलो इसके एक एग्जांपल देखो आप। अगर मान लो मैंने ऐसे चार्ज शीट लिया, ठीक है ना, ये प्लस प्लस है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक किधर देगा? ऊपर देगा, और ये इसका चार्ज डेंसिटी जो है ना सिग्मा है, तो मैं बोलूँगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप लिख सकते हैं। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें तो मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, अब वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप। ओके, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप लिख सकते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, लेकिन ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। ओके, तो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे हम लोग लिखा है इसको। अगर ये मान लो प्लेन चार्ज शीट है, जैसे मान लो ये है चार्ज शीट, ठीक है ना। अब ये चार्ज शीट है तो मैंने सिलेंडर कैसे लिया? ऐसे लिया है, ऐसे लिया ना, सिलेंडर ऐसे सिलेंडर है, आई बस ना, ऐसे सिलेंडर है, देख रहे हो ना। तो ये जो है ना, देखो इसमें क्या है, सिलेंडर ये वाला पार्ट कर्व सरफेस कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा? फ्लैट सरफेस कहलाएगा। तो ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितना चार्ज लाई किया? देखो मेरे हाथ के अंदर कितना चार्ज है। अगर इसी गोला को मैं ले लूँ अंदर में, देख रहे ना,
तो मेरे हाथ के अंदर इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आया, इतना चार्ज आया इतना, तो इसका एरिया मैंने क्या लिया ए, और इसका चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू क्या कर देंगे ए कर देंगे तो चार्ज निकल गया। तो इस तरह से हमने लिया। अब ऐसा नहीं कि हम सिलेंडर ही लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिलेंडर लेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे कैसा भी ले सकते हो, आप यहाँ पे क्यूबॉइड भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर कितना चार्ज लाई करेगा, ये वाला लाई कर जाएगा, ये एरिया वाला, ठीक है ना। अब इसका एरिया ले लिया मैंने ए, और इसका भी एरिया क्या है ए ही है, तो इसका भी एरिया क्या है ए है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ भी क्या होगा चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू ए होगा। इसे ऐसे है, ठीक है ना, इसको मिटा सकते, थोड़ा सा थ्री डी डायग्राम आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट कितने जी अंदर से है और ऐसे बाहर, मतलब इस तरह से, ठीक है ना, जैसे ये वाला ऐसे है, आई बात समझ ना। तो कैसा भी ले सकते हो, यहाँ भी आप ले तो क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स होगा, इसके थ्रू फ्लक्स फ्लैट सरफेस है, ये जो सरफेस है इसके थ्रू नहीं होगा, इसके थ्रू होगा, तो आंसर क्या आएगा सेम ही है, कैसा भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्यूबॉइड ले, क्यूब भी ले सकते हो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होगा जीरो होना है। ठीक है, चलिए एक मस्त क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के एक क्वेश्चन ले लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर ही लो, लेकिन आप कर सकते हो, आप करो तो इस क्वेश्चन को बढ़िया समझो और कर लो, नेट निकाल लो। चलिए देखिए मैं करता हूँ। देखिए बोला है कि ये तीन थे चार्ज शीट हुए, ठीक है ना, एक दो तीन दिए हुए, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस से और ये जेड एक्सिस है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। ये क्या है बोला, एक्स एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये क्या है, जेड इक्वल टू जीरो पर है, ठीक है ना, ऐसे दिखाया हुआ मैं, जेड इक्वल टू जीरो पे है, और ये कहाँ पे है जी, जेड इक्वल टू थ्री ए पे है, और ये कहाँ पे है, जेड इक्वल टू माइनस ए पे है। सिंपल आप समझो कि ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये जेड इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इन तीनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन तीनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। तो पहले ऐसा करते हैं ना, ड्रॉ कर देते हैं, या फिर इंडिविजुअल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नंबर वन ले लो, इसको नंबर टू ले लो, और इसको नंबर थ्री ले लो, और तीनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वन क्या लिखोगे, ये जो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला जो सीट है ये चार्ज, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर देगा, नीचे की तरफ देगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है जी नेगेटिव चार्ज, ये कैसा है नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे की तरफ देगा। तो और मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस के कैप, ओके, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो क्यूब माइनस के कैप लिखा, क्योंकि जेड है ना ये, तो ये वाई नहीं, मैंने जे नहीं लिखा है, ये वाई एक्सिस होता तो हम क्या लिखते हैं माइनस जे कैप लिख लेंगे, इसको क्या बोला क्वेश्चन में, जेड एक्सिस है, इसलिए मैंने माइनस के कैप लिख दिया, अगर ऊपर रहता तो प्लस के कैप लिखता, बढ़िया। अब देखिए E2 क्या लिखेंगे, इसके कारण, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, सॉरी इसके कारण भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि कैसा है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। कितना होगा, तो यहाँ पे दिया है 2σ/2εo, है ना, सिग्मा होता है ना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2εo लिखते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखा हुआ है, 2σ लिखा हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2εo, ये तो फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा बाई 2εo होता है, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं, माइनस के कैप लिखूंगा, ओके। व्हाट अबाउट E3, तो E3 लिखिए क्या होगा, E3 तो इसके कारण है इस पॉइंट पे, तो ये किधर देगा, ये भी किधर दे देगा जी, ये तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये क्या होगा नीचे ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव है लेकिन ये ऊपर हो गया ना, तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा ये, तो कोई भी चार्ज होता है तो यहाँ पे करो तो ऊपर होगा, यहाँ पे निकालो तो नीचे होगा, तो ये वाला केस है ये वाला, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिग्मा बाई 2εo माइनस के कैप, ठीक है। अब आप ऐड कर दो ई नेट निकालने के लिए, ई नेट कितना हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा बाई 2εo प्लस 2σ/2εo प्लस सिग्मा बाई 2εo माइनस के कैप कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बताइए, ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा बाई εo हो गया, और यहाँ पे क्या, सिग्मा बाई 2εo सिग्मा बाई 2εo सिग्मा बाई εo हो गया, और प्लस सिग्मा बाई εo कितना हो जाएगा, 2σ/εo, ठीक है ना, किधर की तरफ, माइनस के की तरफ, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ऑप्शन मैच कराने के लिए माइनस को इधर ले लिया, तो माइनस 2σ/εo के कैप, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना, बी हो गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, चलो लिख लो इसको। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी नियर द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस के बहुत ही नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस बार, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने एक कंडक्टिंग बॉडी ले लिया, ठीक है ना, या फिर हम लोग ऐसा अगर ले लेते हैं, मान लो कैसे भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, बस कंडक्टिंग बॉडी से मतलब है मैं, ठीक है, कोई कर्व ले लिया, कोई रेगुलर शेप का, ये फ्लैट है और ये है, ठीक है ना। अब इस पर मैंने कोई चार्ज डाला, ठीक है ना, और सिग्मा इसका दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, ये चीज़ दिया हुआ, ठीक है ना। अब जब इस पर सिग्मा डाला ना, तो इस पर प्लस प्लस चार्ज, मैंने पॉजिटिव सिग्मा डाला, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, प्लस प्लस इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये बोल रहा है कि जस्ट इसके नियर में, एकदम कहाँ पे, एकदम जस्ट नजदीक, एकदम नज़दीक में, ठीक है ना, एकदम यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है, कंडक्टिंग कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग सरफेस के एकदम नज़दीक में निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो, तुम अगर एकदम नज़दीक का बात करेंगे हम लोग, तो आप ऐसा कर्व सरफेस ले लो, चाहे ऐसा फ्लैट सरफेस ले लो, बात बराबर है, ठीक है ना। अगर आप कंडक्टिंग बॉडी और एकदम नियर में बात करो, एकदम नियर में, तो फ्लैट ले लो, चाहे यहाँ कर्व ले लो, चाहे फ्लैट ले लो, बात बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि एकदम नज़दीक में देखने का मतलब क्या है, कि किसी भी बॉडी के एकदम नज़दीक में देखो, एकदम नज़दीक देखोगे तो उसका एंड ही नहीं दिखेगा। अगर मैं इसके एकदम नज़दीक में देखूंगा, तो इसका ये दिखेगा क्या, कि फ्लैट है कि कर्व है, हमें सिर्फ क्या दिखेगा कि ये फ्लैट है, हमें कर्व नहीं दिखेगा ये, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है, ये इन्फिनाइट बॉडी है, मैं बोल सकता हूँ इन्फिनाइट प्लेन चार्ज शीट है, ये तो वैसा दिख जाएगा ना। इसको भी अपने, ये तो घर है ही फ्लैट, ठीक है ना। कोई भी बॉडी एकदम नज़दीक, अगर ये बोर्ड है, बोर्ड के एकदम नज़दीक से अगर हम देखेंगे, एकदम नज़दीक से देखेंगे, तो बोर्ड का एंड दिखेगा मुझे नहीं, तो मैं बोलूँगा क्या, ये इन्फिनाइट है, ठीक है ना। मेरा हाथ भी क्या हो सकता है, इन्फिनाइट, एकदम हाथ एकदम नज़दीक से देखेंगे हम लोग, तो मुझे हाथ का एंड दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो ये भी क्या है, इन्फिनाइट है। मतलब एकदम वेरी नियर पॉइंट के लिए, एकदम नियर पॉइंट के लिए ये जो बॉडी होगा, इन्फिनाइट बॉडी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी ऐसे इरेगुलर शेप के कारण नियर में निकालो, चाहे ऐसे कारण नियर में निकालो, बात बराबर है, क्योंकि वेरी नियर पॉइंट के लिए ये दोनों बॉडी एक जैसे काम करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, एकदम नज़दीक में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपको इससे क्या मतलब, आपको एंड थोड़ी दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम नज़दीक में निकालोगे, तो अभी हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे एकदम नज़दीक में, और इसको यूज करके निकालेंगे, और वो अप्लाई होगा इसके लिए भी, किसी बॉडी के लिए अप्लाई होगा, चाहे स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कुछ भी हो, वेरी नियर द सर्फेस क्या होगा, वही होगा जो इस बॉडी के थ्रू आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एकदम नज़दीक में एक मैं क्या ले लूँगा, गॉसियन सरफेस एक क्लोज बनाऊँगा, ठीक है ना। देखो, मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया एकदम क्लोज, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना। अब एकदम नज़दीक में लेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर ही देख, है ना, इलेक्ट्रिक, तो हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि अगर कोई भी कंडक्टिंग सर्फेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है जी, परपेंडिकुलर टू सर्फेस होता है। इलेक्ट्रिक कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वाले लेक्चर में देखा है, जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर था, ठीक है। तो एकदम नज़दीक में देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, ठीक है ना, एकदम परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। और ये जो फ्लैट सरफेस है ना सिलेंडर का, ये जो फ्लैट सरफेस सिलेंडर का है, ये जो है ये सरफेस के पैरेलल है, ये वाला सरफेस जो वैसे पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा कि फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स यही वाला अप्लाई करना मुझे, ई डॉट डी एस अप्लाई करना है, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। अब देखो, यहाँ पे फ्लक्स जो होगा ना, तीन सर्फेसेस हमारे पास है, तीन सर्फेस कौन कौन से हैं जी, तो एक सर्फेस ये वाला है, एक सर्फेस ये वाला है, मतलब फ्लैट सर्फेस नंबर वन, फ्लैट सर्फेस नंबर टू, और एक कर्व सर्फेस, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा बताइए, कर्व सरफेस से जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होना है, तो कर्व को क्या ये लाइन क्रॉस करेगा, क्या लाइन क्रॉस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कर्व ऐसे ही है, लाइन ऐसे है, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके थ्रू जीरो हो जाएगा। अच्छा, इधर में ई है, इधर में ए है, पैरेलल हो गया, क्या इधर में भी ई होगा और इधर में भी ए होगा, बताओ तो होगा क्या, इधर भी जीरो हो जाएगा एंगल, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, अरे भैया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, याद करो कि हम लोग किस कैसे बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कंडक्टिंग बॉडी है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इधर तो फ्लक्स होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, तीन पार्ट होगा इसमें, फ्लक्स थ्रू
फ्लैट सरफेस नंबर वन, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस नंबर टू एंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, फ्लैट सरफेस नंबर वन से जीरो हो जाएगा, फ्लैट सरफेस नंबर टू से क्या होगा e इंटू ए हो जाएगा क्योंकि एंगल जीरो है, और कर्व सरफेस से भी जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्लक्स जो होगा टोटल जीरो प्लस ई ए प्लस जीरो, मतलब ई ए इक्वल्स टू, अब क्यू इन निकालना, क्यू इन, तो क्यू इन क्या है यहाँ पे बताइए, क्यू इन तो यही है ना, यही वाला पार्ट तो अंदर आया सिलेंडर का, मतलब कितना एरिया, ये भी तो एरिया क्या होगा ए ही होगा, ये भी एरिया क्या होगा ए होगा, ठीक है ना। देखना ये क्या होगा, ये फ्लैट होगा, एकदम नज़दीक में देख रहा हूँ, ये मत बोला सर ये तो कर्व ऐसा ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, मैंने जैसे इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए आपको कर्व दिख रहा है कि ताकि हम लोग समझ पाए। अब इतना सर डायग्राम बनाऊँ तो समझ पाओगे क्या, नहीं ना, हमने डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्या है कैसे जी, फ्लैट ही है, तो फ्लैट है, एरिया ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है जी सिग्मा है, तो उसमें चार्ज कितना आ जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम में तो अप्लाई कर रहे हैं। बढ़िया, एक ने एक को मार दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। बढ़िया, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। वैसे ये सरफेस इस सरफेस के इस पॉइंट पर नजदीक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और डायरेक्शन कैसे होगा जी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। किसी भी सरफेस के एकदम नज़दीक में देखोगे, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो ऐसे होगा, और कितना वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, अब देखो इसमें भी देखोगे तो इसके नज़दीक में इस पॉइंट पे इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, कन्फ्यूजन क्या है, मैं आपको ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा हूँ जानबूझ के। देखिए, मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अगर प्लेन चार्ज शीट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर तरफ होगा और कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, ध्यान से समझना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, इसके कारण जो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जो निकाल रहा था अभी का अभी अभी जस्ट निकाल रहा था, तो क्या मैंने बोला था कि नियर में है कि दूर में है? नहीं, मैंने बोला था कि किसी भी डिस्टेंस पे, किसी आर डिस्टेंस पे, तो किसी आर डिस्टेंस पे मैंने निकाला था, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आया था और ये आर से इंडिपेंडेंट आया। इसका मतलब ये है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेन चार्ज शीट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फॉर एवरी पॉइंट्स। तुम वेरी नियर भी निकाल सकते हो या फिर दूर भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही होना है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ मैंने कोई कंडक्टिंग बॉडी लिया ऐसे, ऐसे वाला, यही है, मैंने ये वाला व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे वाला सामने व्यू, ठीक है ना, फ्रंट व्यू। तो इस पर अगर मैं सिग्मा दूंगा तो प्लस 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 आया, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे मुझे ये नहीं पता है, मैं बोला कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, तो किसी भी नज़दीक पे निकालो चाहे दूर पे निकालो, ये वाला अप्लाइड है क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा कितना, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, एकदम नज़दीक में निकाल रहा हूँ, ये दूरी क्या है, बहुत ही छोटा है, एकदम नज़दीक में निकाल रहा हूँ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोला कि सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या ये गलत है या फिर मैंने ये गलत पढ़ाया, क्या गलत पढ़ाया, दोनों मैंने सही पढ़ाया, लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि ये किसके लिए है और ये किसके लिए, ये प्लेन चार्ज शीट के लिए है और ये वाला कंडक्टिंग बॉडी के लिए है। अब कंडक्टिंग बॉडी में देखना एक चीज़ है, यहाँ पर ये कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है ना। आप अगर इस पर चार्ज कुछ डालोगे तो मुझे पता है कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ आने हैं, सरफेस पे आने हैं। तो क्या इस कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज इसी सरफेस पे है या फिर यहाँ भी एक सरफेस है, यहाँ भी तो सरफेस है ना। तो जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाला जो चार्ज है ना, वो इधर भी आ जाएगा, मेरी बात समझ में ना। अब तुम नियर में निकालोगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तो तुम्हारा आंसर आना है ये वेरी नियर द सरफेस है ना, नियर, ठीक है ना, उतना ही आना है, ये नियर में निकाल रहे हम लोग। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये चार्ज शीट के लिए है, तो यहाँ पे ना चार्ज शीट हमारे को दो मिल गए, एक चार्ज शीट नहीं, यहाँ पे कितने मिले, दो चार्ज शीट, एक ये चार्ज शीट है यहाँ पे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट का, और एक ये चार्ज शीट है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे देखा, ये भी तो पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पे इधर की तरफ कितना देगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट देगा। अब ये जो पॉइंट एकदम वेरी नियर द सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
इस बात को एच सी वर्मा साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से लिखा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर कंडक्टिंग बॉडी होगा, ठीक है, तो कंडक्टिंग बॉडी होगा तो वेरी नियर जो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये आ जाता है प्लेन चार्ज शीट का जो फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ से भी आ जाता है, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी के लिए है और कंडक्टिंग बॉडी के लिए है, वेरी नियर द सरफेस। कंडक्टिंग बॉडी होगा तो दोनों तरफ चार्जेज आएंगे, चारों तरफ चार्जेज आएंगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो सिर्फ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया है, ये पूरे के पूरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया है। मैंने ये तो कंडक्टिंग बॉडी के लिए निकाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग बॉडी एट वेरी नियर द सर्फेस, कोई कंडक्टिंग बॉडी है उसके सर्फेस के एकदम नज़दीक में निकाला है। तो ऐसा नहीं कि इसी फ्लैट सर्फेस के लिए यहाँ पे निकाला है, ये पूरे बॉडी के लिए। आप याद करो हमने क्या यूज़ किया, गॉस सीरम यूज़ किया है। तो गॉस सीरम क्या बोलता है कि गॉस सीरम इज इन गॉस सीरम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ये चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है जी, ये चार्ज है सिर्फ इनसाइड वाला, चार्ज है सिर्फ इनसाइड वाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे आउटसाइड चार्ज यहाँ भी तो है ना, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज, ये कंप्लीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। लेकिन प्लेन चार्ज शीट में क्या था जी, यही चार्ज था, वहाँ भी मैंने यही यूज़ किया था, यही यूज़ किया था ना, ठीक है ना, तो वहाँ भी यही इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन पूरे चार्ज करण आया था। लेकिन इसे टू सरफेस था कि एक सरफेस था, वन सरफेस था, प्लेन चार्ज शीट था। यहाँ पे प्लेन बॉडी है, बॉडी पे दो सरफेस होगा, तो एक ये सरफेस के लिए वो अप्लाई किया, फिर एक ये सरफेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर ये नेट आ गया, ठीक है ना। तो कहने मतलब वो हमेशा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो अप्लाई होगा जब प्लेनर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो वाला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे तो यही अप्लाई करना है। तो मेरा कहने मतलब कि कुछ भी मिले, कोई भी बॉडी मिले, कंडक्टिंग बॉडी एट वेरी नियर द सरफेस निकालना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख के अपना काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके देखिए, ओके। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स को बढ़िया से एकदम मस्त मेंटेन करिए, ओके। और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको लगाना है इससे रिलेटेड, मैं आशा करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपने समझा होगा, बहुत ही शिद्दत बहुत ही प्यार के साथ आपको मैंने इस लेक्चर को समझाया है और बहुत सारा क्वेश्चन भी कराया है। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करिए, डाउट पोस्ट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।